नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस कंधमाल रे पारिवारिक कलहर करुण परिणति दुई पिलांकु कुओ को ठेली मारिदला मां हत्या परे मां निजे आत्महत्या उद्यम करथवा अभिजोग बालेगुडा रो रायकिया रे चांचल्य राज्य रे पुणे 67 जीवन नेला वायरस खोरधारु रेकर्ड 25 मृत्यु 24 घंटा रे 2182 पॉजिटिव खोरधारु 510 कटकरु 308 नुआ केस बाहुडा पई प्रस्तुति आरंभ आज तीन रथ रहब दक्षिण मोड़ गतकाली शेष होईछि हेरा पंचमी नीति अभिमान रे मां महालक्ष्मी भांगिले नंदीघोष रथर काठ देशरे तृतीय लहर रोकिबाकु प्रधानमंत्री देइछन्ते टार्गेट नीति आयोग सदस्य वीके पॉलक बयान दुईटी डोज नेले 95% कमुछि मृत्यु दर आगामी 100 दिन भारत पई बेस गुरुत्वपूर्ण मुख्यमंत्री अध्यक्षतार आज राज्य कैबिनेट संध्या 5:30 विसी जरिया बैठक विभाग परिवर्तन को नहीं विभिन्न प्रसंग में होपे आलोचना गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिलपे अनुमोदन एवं असहाय को आश्रय देवा ना हत्या पूरी पिपिलीर नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान ना संगीन अभियोग 2020 छह अंत्यवासी सन्देहजनक मृत्यु मृत्यु पछरे अंग तस्करी सन्देह संपूर्ण खबर को आसीबा परीक्षा पई गाइडलाइन जारी कला यूजीसी अति शीघ्र प्रकाश पाइब विभिन्न परीक्षा फल एंट्रान्स रिजल्ट विलंब हेले भी अक्टोबर 18 रु आरंभ होइजिबो नुआ शिक्षा वर्ष कोरोना जनित कौनसी कारण एडमिशन न कले फेरस्त हेबो सबु टंका पुणी थरे कहि रखिया पई चाहूची परीक्षा पई गाइडलाइन जारी करिछि यूजीसी अति शीघ्र प्रकाश पाइब विभिन्न परीक्षा फल एंट्रान्स रिजल्ट विलंब हेले भी अक्टोबर 18 रु आरंभ होइजिबो नुआ शिक्षा वर्ष कोरोना जनित कौन से कारण एडमिशन न कले फेरस्त हेबो सबु टंका परवर्ती खबर को आसीबा एवं ए बाबद रे अधिक आलोचना मध्य देशरे किभळी तृतीय लहर न आसीबो से दिगरे काम करबाकु टार्गेट देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ए बाबद रे टार्गेट मध्य देइछंती पुणि थरे कहि रखुची पड़ोसी बांग्लादेश एवं मालेसिया रे तृतीय लहर चेतावनी जारी करिछि डब्ल्यूएचओ तेणु तृतीय लहर शीघ्र आसी पारे याकु ने आशंका सृष्टि होइछि डिसेंबर सुधा 118 कोटी वैक्सीन देवाक लक्ष्य रखिंट केंद्र सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव जिते अधिक मात्रा रे चली लोक माने जिते अधिक मात्रा रे सामिल हेबे सेते अधिक भयमुक्त हो पारे देश में तृतीय लहर न आसवाई रोकवाक पड़ पदक्षेप नेबाक पड़ सजग रहा पड़ एक प्रधानमंत्री कहते से दिगरे काम करने टार्गेट रही भितरे आगामी 100 दिन बेस गुरुत्व बहन करुछि नीति आयोग सदस्य वीके पॉल बाबद्रे सूचना देते वर्तमान पर्यंत कोरोना लड़ाई समस्त देहरे हर्ड इम्युनिटी होना वीके पॉल हिसाब से वैक्सीन ने मृत्युहार 82% कमुची से भले द्वितीय लहर कोरोना जनित मृत्यु को 95% कमाइबारे सफल होती गोटे पटे विपद टली ना अंपटे देश में मास्क व्यवहार कमुवर चिंता बढ़ुच्च किंतु डिसेंबर सुधा 118 कोटी वैक्सीन देवाक लक्ष्य रखिंट केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय हिसाब से द्वितीय लहर गोटे दिन में 4 लक्ष अधिक पजिट चिन्हट होते वर्तमान मोट आक्टिव केस 4,30,000 पहुंची सेपटे पड़ोसी बांग्लादेश और मलेशिया रे तृतीय लहर चेतावनी जारी करिछि डब्ल्यूएचओ कंधमाल रे पारिवारिक कलहर करुण परिणति दुई पिलांकु कुओ को ठेली मारिदेला मां हत्या परे मां निजे आत्महत्या उद्यम करथवा अभियोग आसी बालीगुडा रो राय क्यारे चांचल्य सृष्टि होईछि वर्तमान रो ब्रेकिंग न्यूज आपण देखुछन्ति कंधमाल रे पारिवारिक कलहर करुण परिणति दुई पिलांकु कुओ को ठेली मारिदेला मां एवं सेमानुकु मारिबा परे निजे मरिबा पई मध्य चेष्टा करथुला निश्चित भाबरे पारिवारिक कलह एक करुण परिणति नैछि बालीगुडा रो राय क्यारे घटिथिबा ए घटना चांचल्य सृष्टि करिछि पुओ को मारी देछि मां एवं तापरे निजे
कूक ठेली देजे आत्महत्यार उद्यम करुला कंधमाल पारिवारिक कलहर करुण परिणति देखा मिली। ए खबर को नहीं चर्चा जोर, दुई पिला कूक ठेली मारी मा। हत्या परे मां निजे आत्महत्या उद्यम करोग आसली परिस्थिति में एते बड़ एक अभावन घटना घटला आप देखिपारी पिला दुई को किभली भाव में उद्धार करें चेष्टा कर रिपोर्टर सहित जोड़ी हाँ ए खबर बाबद आपको अधिक अपडेट करने कहा कहा भितरे बच्चसा होता कहीं एते घटना एक सामना को आसला एमती एक अमानवीय अमानुषिक घटना सामना को आसला बाबद अधिक सूचना पाई राकेश साहू फोन लाइन अच्छा। राकेश को परिस्थिति रे एते बड़ एक घटना घटला मत कहतु जो दुई पिला माँ ठेली कू भर को सामान मृत्यु होना से जीवित अच्छा रायगढ़ थाना अंचल एक अभाव्य घटना घटे जो रही क्रिश्चियन साहि एम राजेश स्त्री गत काली प्रबल गंडगोल होता जहाँ फल स्त्री पुआ झील को नहीं घर छाड़ी चल जाइए कि आज सका रायगढ़ निकट अलीमार एक पुआर दुई छुआ शब मिली स्थानीय लोक कह मुताबक माँ जनक पुआ और झील को ठेलना निजे आत्महत्या करने को उद्यम करते कि स्थानीय लोक देखिए माँ को अटकई दमकल बाहन सहायत शब दुईट को उद्धार कराता पुआ और झील को डाक्टर मृत घोषणा कर किंतु क्यों कथा को नहीं एत बड़ एक बच्चसा है जो एमती एक वित्तस्पृह स्टेप बोली कह पारे एवं एभली एक घटना जे माँ निज पिला दुईज को एमती राग एमती तिक्तता आसला संपर्क में जे कू भर को ठेली दबो ए कथा को तो सहजे ग्रहण कर विभिन्न समय विभिन्न घटना बचा लग रहा कि रूप धारण कर माँ जन को वर्तमान जहाँ सूचना रही उद्धार करा सी चेष्टा कर आत्महत्या करने स्वास्थ्यावस्था वर्तमान केमती रही डाक्तरखाना बर्तमान चिकित्सा चलती स्वास्थ्यावस्था बर्तमान ठीक रही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहू रायकिया प्रतिनिधि सूचना दौले पुओ को मारी देछि माँ एवं दुई पिलांकु कुओ को ठेली देछि माँ एक दुखद चित्र सामना को आसुछि एवं कंधमाल पारिवारिक कलहर करुण परिणति देखा मिली कौन कारण को नहीं स्वामी स्त्री भितर बारंबार झगड़ा होता तिक्तता लग रहा कि तिक्तता दिने उग्र रूप धारण कर हुए तो कहीं कलना करे एते उग्र रूप धारण कला जे दुई पिला माँ घर छाड़ पलायला से भी समाधान है ना दुई पिला कू भर को ठेली दे पिला दुई जनकर मृत्यु होई एवं निजे आत्महत्या चेष्टा करथवा समय उपस्थित थिबा किछि लोक उद्धार करिछंती माँ को एवं से हॉस्पिटल ले भर्ती होई किंतु पिला दुई जनकर जीवन जाइछि दुई पिलांकु कुओ को ठेली देबा परे समानकर जीवन जाइछि कारण से माने कोन शिशु एवं कुओ भितर को ठेली देबा परे सेठारे पड़बा परे उद्धार करबा बेलकु समानकु डाक्टर मृत घोषणा कले आउ जीवन नथिला। राज्य में पुणे 67 जीवन नहीं वायरस खोर्धारु रेकर्ड संख्यक 25 मृत्यु 24 घंटे 2182 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु 510 केस सामना को आसीथिबा बेले कटकरु 308 नुआ केस सामना को आसी एवं जेभली भावे मृत्यु संख्या वर्तमान दैनिक मृत्यु संख्या राज्य में चिंताजनक पुणी थरे दैनिक मृत्यु संख्या 67 आसी राज्य में कोरोना मृत्यु रे ब्रेक लगुना खोर्धारु सर्वाधिक 25 जन जीवन जाइए गंजामु 8 सुंदरगढ़ 7 पुरी रे मध्य जनकर मृत्यु हो 24 घंटे 2182 पॉजिटिव चिन्हट होती जदिओ मृत्यु संख्यार ब्रेक लगुना संक्रमित संख्या किंतु कमी मृत्यु संख्या एबे भी चिंताजनक रही है बाबद अधिक सूचना पाई दिव्य फोन लाइन अच्छा। दिव्य जेभली भाव आप जानते संक्रमित संख्या जदिओ द्वितीय लहर पिक पर कमुची किंतु मृत्यु संख्या बढ़ी बढ़ी चली जहाँ राज्य में सबुठ अधिक चिंताजनक विषय पलटी देखो स्मृति लग्न निश्चित भाव जो क्या कहते मृत्यु संख्या निहाती चिंताजनक रही किंतु सब बड़ कथा होची लगातार 8 दिन हेब राज्य सरकार जो डेथ रिपोर्ट दौर डेथ रिपोर्ट जो
रिपोर्ट गुड़ी को ऑडिट करा जाय नथला जेतबेले राज्य सरकार मुंकु केंद्रीय टीम तागिद करथिले परवर्ती समय रे हाईकोर्ट रे मध्ये ए प्रसंग पहुंचला हाईकोर्ट मध्ये तागिद करथिले जे काहे की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दिया जाउनी काहे की मृत्यु तथ्य लुटा जाउची तापर राज्य सरकार गोटे प्रकार डेथ ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिक करथिले एवं लोकलोचन को आसला जे प्रकृत रे केते डेथ वर्तमान सुधा होउची तार गोटे रिपोर्ट सामने को आसला जेउतुर किछि किछि करी राज्य सरकार प्रत्येक दिन देउछंती जेउपई वर्तमान रो डेथ संख्या बढ़िबार लागिछि आम कही पार ये सात आठ दिन भितर के मृत्युवरण करते तार एपर्त कौन रिपोर्ट राज्य सरकार देना केडिट ये रही है तार संपूर्ण तथ्य राज्य सरकार देना तो निहाती भाव में जहाँ कहुपर्यतनी रणनीति प्रस्तुत करटक कथा कहतु जाजपुर कथा कहतु बालेश्वर पुरी खोर्धा ए सब जगार देखा मिलूँ लगातार भाव में आक्रांत चिन्हट होती मृतकों संख्या ए जगार अधिक रही खोर्धार आज सर्वाधिक 510 जन चिन्हट होती आउ किसी नुआ स्ट्राटेजी राज्य सरकार आपण पारती कि कारण कैटेगरी ए कैटेगरी बी हिसाब से जिते कटक कोहल तथापि मृत्यु संख्यार ब्रेक लगुना देखु निश्चित भाव में आज जो कथ कौन तरह दुईट दिग रही है गोटे दिग हूँ तृतीय लहर आसूच अगस्त शेष सुधा तृतीय लहर भारत को हिट कर एक स्पष्ट हो सारी प्रधानमंत्री गत काली कही सारी आम को 20 दिन भितर प्रस्तुत होगा पड़ो और मुख्यमंत्री गत काली बैठक में स्वीकार करते उपकूल ओडिशा रे जे कौनसी प्रकार रणनीति आपणले उपकूल ओडिशा रे स्थिति सुधुरू ना ये दुईट प्रसंग निहाती गुरुत्वपूर्ण रही 20 दिन पर जदि आसूची तृतीय लह किभि सामना करमर जथेष भित्तिमि रही तो उपकूल ओडिशा रे जो स्थिति आगक तृतीय लहर समय अधिक भयंकर होबनी तो यह आउ गोटे बड़ दिग जदि वर्तमान नुआ स्ट्राटेजी न आपणती सरकार विशेषकर कटक खोर्धा पुरी बालेश्वर गंजाम सरी पुरी बालेश्वर मयूरभंज यही पांच जिला जदि स्ट्राटेजी पर न हो क्यों ना क्यों आगामी दिन में आ 20 दिन पर अणायत स्टेज को जापे जहाँ विषय में आकलन कर दृष्टिकोण स्वास्थ्य विभाग विचार विमर्श कर विशेषकर कटक और भुवनेश्वर ये दुईट जगह कौन नुआ स्ट्राटेजी आपणवार आवश्यक रही किभली एटी संक्रमण को ब्रेक कराइपर कारण एटी जब संक्रमण 20 दिन भर ब्रेक न हो तृतीय लहर जो आसूसी से समय गोटे भयंकर परिस्थिति सृष्टि अनुमान कराऊ दृष्टि रखी दिने दुई दिन भर नुआ स्टेप ना जाऊँच राज्य सरकार बोली जहाँ सूचना रही बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक सूचना दौले जे गंजाम 8 सुंदरगढ़ 7 पुरी 6 जन मृतक रही से भाव में 24 घंटे 2182 पॉजिट राज्य चिन्हट होती मृत्यु संख्यार किंतु ब्रेक लगुना पुणि थे 67 जीवन नहीं किलर भाइरस स्कूल डस्टबिन सरकारी चाउल कोमलमती पिला पेटर भोक नष्ट बालेश्वर जिला उपदा ब्लक खैरा प्राथमिक विद्यालय परिसर में देखा मिली दृश्य पिला चाउल बंटा न जाए क्विंटाल क्विंटाल चाउल नष्ट सेपटे बात्या समय पानी पशि नष्ट हो चाउल को डस्टबिन में पक जा स्कूल प्रधान शिक्षयित्री सफे दिखती से भाई एने स्कूल कौन से अभियोग आसी ना उपदा इव्यो रत्नाकर दास प्रतिक्रिय चाउल नष्ट स्कूल पक्ष उपरिस्थ अधिकारी जना जा ना बेले बात्या पूर्व चाउल को सुरक्षित जगह को कौन पर निगलानी ताकू नहीं सृष्टि प्रश्नवाची हॉस्टलटा टिके स्कूल थारु नीचा हिची तेणु पानीटा टिके अधिया पानी हेला माने हॉस्टल भितर पसुची ए जो बात्याटा गला ता भितरे पानीटा पसिके हॉस्टल भितर पसिथला माने सब रूम रे पानी पसुची एमिति के हम वार्डन रूम वार्डन दीदी के रूम रे पानी पसिके तांगर सब जोडा थिला तळे तांगर ट्रंक भितरे लुगापटा सब नष्ट होई जाई ना मो पाखरे रिटन प्रूफ किछि नाही मो ज्ञात सारे विषय रे कोन हेची मु जानि नाही जदि बीओसार से विषय में विधिवध भाव में जानी थे तथ्य किसी थी से विषय में सठिक तथ्य दे पारे महंगा पड़ा मॉडल को ब्लैकमेल ओडिशार युवक को बांधिला मुंबई क्राइम ब्रांच नवरंगपुर गिरफ होती 21 वर्षीय सौरभ मंडल उमरकोट ब्लक सुनाबेड़ गिरफ्त कर अभियुक्त ना हो विक्रम देव कॉलेज प्लस थ्री विज्ञान पढ़ुता जड़े छात्र साइबर क्राइम आधार में मुंबई क्राइमब्रांच गिरफ्त कर उमरकोट हाजर करा ट्रांजिट रिमांड में मुंबई नहीं जाती
सूचना हिसाब से मुंबईर जन महिला मॉडल को फोटो को फेसबुक और इंस्टाग्राम रे नग्न रूप दे अपलोड करुथिले। परवर्ती समय ब्लैकमेल कर धमक देउथिले, ता सहित टंका मध्य आदाय करथिले। बारंबार टंका मगाजबारु सोशल मीडिया रु दूरे जाइथिले मॉडल, किंतु सौरभ कोनसी उपाय मॉडल को ठिकणा बाहर कर पुणि थरे ब्लैकमेल कर आरंभ कले। एथर किंतु मॉडल जनक महाराष्ट्र साइबर पुलिस सहायता ने मुंबई रु दुई सहयोगी उमरकोट्रु सौरभ को बांधी क्राइमब्रांच। बिल मझे एक बुदा निकटर गलित मृतदेह उद्धार कर। मृतदेहर गंडी निकटर प्राय 200 मीटर दूर से ठाब कर मुंड। तेज मृतदेहटे किदिन पूर्व निखोज युवकों बोली सन्देह कर। भद्रक धूसुरी थाना उच्चपदा और काकुड़ी गड़िया रास्ता पाखे एक बिल मझी गलित अवस्था ठाब कर। मृतदेह कहार ताजंत स्पष्ट होना। मृतदेहटी उच्चपदा गाँवर निखोज युवक जितेन्द्र सेन सन्देह कर। घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि पुलिस। मरणांतक आक्रमण पूर्व गिरफ हला दुर्दांत अपराधी आकाश प्रधान को गिरफ कला के नुआगाम पुलिस। ता निकट पांचटी बोमा पांचटी खंडा जबत करा जैछि। आकाश एवं तार किछे सहयोगी शुक्रवार एक कार एवं बाइक रे मारणास्त्र नै जाउथले। पुलिस खबर पाइबा परे नुआगाम छकरे जोगी रहितला। अतर्कित चढ़ाऊ रे बाइक रे जाउथबा समय रे पुलिस चढ़ाऊ कला। पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर जड़े युवक को मरणातक आक्रमण करने योजना करुवा सूचना रही। देखा आउ किसी खबर किंतु ब्रेक पर। मंगलवार महाप्रभु बाहुड़ा जात्रा एथिपाई आज तीन रथ ने दक्षिण मोड़ गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार सम्मुखर जाई नाकचना दल सम्मुख सरधा बाली रे तीन रथ। तेज ठाकुर आज्ञामा आसला परे आरंभ हो रथटणा। परंपरा हिसाब से आज महाप्रभु को ठाकुर बाहुड़ा प्रस्तुति नीति आरंभ हो। दक्षिण मोड़ श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष स्वतंत्र नीति निर्घंट प्रस्तुत हो। रथ को श्री विग्रह आज्ञामा विजयी हो। तेज यापर तीन जन पूजा पंडा सामंत आज्ञामा आणवे। आज्ञामा लगवा तीन रथ से दौड़ी संजोग हो रथटणा आरंभ हो। इन अधिक आलोचना पई सीधा सड़क आम प्रतिनिधि आलोक आम सहित जोड़ी होती। आलोक जहाँ सूचना रही आज आज्ञामा लगवा तीन रथ से दौड़ी संजोग कर रथ टणा आरंभ हो। प्रस्तुति केमी रही स्मृतिलग्न देखु गत काली अभिमानिनी माँ महालक्ष्मी महाप्रभु सहित भेटघाट नपाई अभिमान करी राग जर्जरित तो होई फेरी जाइछंती एवं फेरिला बाटरे महाप्रभुं ठारु आज्ञामाला मध्य नेइछंती एवं महाप्रभु निर्देश देइछंती मु बाहुडा यात्रा पई संपूर्ण प्रस्तुत करा जाउ। एवं बाहुडा यात्रा पई मध्य आज प्रस्तुत करा जाउछि। एवं आपण जानिछंती सकाळ सकाळ गुंडीचा मंडपर आड़प मंडप रे महाप्रभुंकर मंगल आरती मैलम तड़प लागि अवकाश नीति शेष होबा परे वर्तमान सकाळ धूप पूजा बसिछि। एवं सकाळ धूप परे महाप्रभुंक ठारु पूजापंडा सामंत माने तीन गोटी आज्ञामाला आणिबे। एवं तीन गोटी आज्ञामाला आसिबा परे गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार सम्मुखर जो रथ तीन गोटी दंडायमान रही से रथ तीन गोटी को दक्षिण मोड़ करा गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वारा लग जा। आपण जानते जिते बड़े रथजात्रा होता रथजात्रार पूर्व दिन रथ खड़ सिंहद्वार निकट को रथ गढ़ी प्रथम नंदीघोष रथ पर बल देवी सुभद्रा रथ और तापर बलभद्रा रथ और श्रीगुंडीचा यात्रा दिन स्मृतिलग्न आपड़ देखिले प्रथम बलभद्रा रथ पर देवी सुभद्रा रथ और महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ। किंतु आज व्यतिक्रम देखा मिले जेहेतु महाप्रभु समस्त को सामान अधिकार देते आज प्रथम देवी सुभद्रा रथ गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार निकटर गढ़ दक्षिण मोड़ कर गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वारा लग जा पर बलभद्रा रथ और तापर जगन्नाथ रथ। निश्चित भाव में परेश अत्यंत अन्य रही है घंट घंटा काहली आज तीन रथ दक्षिण मोड़ कर बाहुड़ा जात्रापी प्रस्तुत हो। निश्चित भाव में आम कहीपर आ कि समय अपेक्षा जेहेतु सका धूप चली सका धूप जिते बड़े शेष हे पूजा पंडा सामंत तीन जन तीन बाड़ आज्ञामा आनी सारे रथत्रय को दक्षिण मोड़ करवल पुलिस बाहन रथ तीन टी दक्षिण मोड़ कर रखा गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वार और आसंता 20 तारीख जेहेतु पवित्र बाहुड़ा जात्रा रोचे पुनर्बार गुंडीचा मंडपुर बाहुड़े चतुर्थ विग्रह धाड़ी पहंडी आसवे पुनर्बार रथारूढ़ हो श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करेंगे। निश्चित भाव में परेश अन्य रही है कितु सब बड़ कथ स्मृतिलग्ना आपड़ गत काली जो परेश देखी माँ महालक्ष्मी को चर्मचक्षुरे प्रत्यक्ष दर्शन करते पूरी सहरवासी
ଯେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପଟୁଆରରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଗତକାଲି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟୁଆରରେ ବାହାରିଥିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରଥତ୍ରୟକୁ ଦକ୍ଷିଣବର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତିନି ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ରଥତ୍ରୟକୁ ଟଣାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିର କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ହୋଇଥିଲା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିକଟରେ 2917 ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ, ଯାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଚିଠି ହିଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅସଲ ମୁଖାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାସ୍ତାରେ ପାଳ ଜାଳି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିବା ମାମଲାରେ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଯାହାର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛି ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱଜିତ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଚିଠିଟି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରି ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଏଯାବତ୍ 2917 ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗାଣ ନିଗମକୁ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନେଇ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସିଏସ୍ଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2917 କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ନାଗ ମାତ୍ର 5T ହେଇଛି, କେବଳ କଥାରେ କଥାରେ ରହିଛି, ସିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। 5T ଯେଉଁ 5T ସରକାର ମୋ ସରକାର ଆଜି ଦେଖିବେ 5T ସରକାର, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସିନା ରହିଯାଇଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀଟିଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରେ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଚାଷୀର ଧାନ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ଯୋଗାଣ ଅଫିସ ଯାଏ, ସେଠି ତା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି 5T। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଏମିତି ସରକାରୀ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଆସୁଥିବ ନା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇବ? ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ 5T କାମ କରୁନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ଫଳରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଉଟି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତାକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନେବା କଥା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏ ଚିଠି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା। ତେବେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରୁ 2917 ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ନେଉଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଛତ୍ରପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।